दोस्तों इस वीडियो में मैच जो कवर करने वाले हैं जो कि मैच खेला जाएगा एक ही टाइम पे ना, दो मैचेस, एक स्कॉटलैंड और डेनमार्क के बीच मैच है और एक आयरलैंड और जर्मनी के मैच बीच मैच है। दोनों ही अच्छे मैचेस हैं, कोई ख़राब मैचेस नहीं है। लेकिन मैं इस मैच की वीडियो अपलोड कर चुका हूँ कि बहुत से लोग बोल रहे थे कि हमें आयरलैंड वाला मैच भी खेलना है तो उसकी वीडियो प्रीव्यू चाहिए, तो मैं उन्हीं के लिए वीडियो शूट कर रहा हूँ। ज़्यादा टाइम नहीं, 4 घंटे ही बचे किस मैच को भी स्टार्ट होने में, दोनों ही एक ही टाइम पे स्टार्ट हो जाए। अगर आपने अभी तक ये वाला मैच का वीडियो नहीं देखा है, स्कॉटलैंड और डेनमार्क का, जो देखो अभी रोटेट करके वीडियो बना रहा हूँ ना, ये यूट्यूब पर प्रॉब्लम है इसलिए, तो स्कॉटलैंड डेनमार्क का वीडियो यूज़ जाके देख लेना। आप टेलीग्राम चैनल पर भी देख लो या फिर चैनल पर भी जाके देख सकते हो। तो टेलीग्राम चैनल यूज़ से ज्वाइन कर लेना, जहाँ पे आपको ना फाइनल टीम डेडलाइन से 15-20 मिनट पहले ही आपको मिल जाती है, वो भी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको 1 रुपये पे नहीं करना होता है। तो टेलीग्राम चैनल यूज़ से ज्वाइन कर लेना, 33,000 से ज़्यादा लोग हैं, बिल्कुल फ्री टेलीग्राम चैनल है, 33,000 से ज़्यादा लोग हैं। ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना, फेक मत ज्वाइन करना, बस 33,000 से ज़्यादा लोग होनी चाहिए। तो ये जो मैच खेला जाएगा, पहले तो ये चीज़ क्लियर कर देता हूँ, स्टार्ट देखने का टाइम उतना है नहीं, 4 घंटे बच रखे हैं, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सब हम कवर करेंगे। तो हम लास्ट में 6 स्कोर कार्ड से टीम बनाएंगे, जिससे बहुत अच्छी टीम बनती है, आपको भी पता है सबसे बेस्ट वही ऑप्शन है लास्ट में 6 स्कोर कार्ड, क्योंकि उससे अच्छी टीम बन जाती है, डाउट्स भी क्लियर हो जाते हैं कि क्या हुआ था लास्ट मैच में। तो ये 17th मैच है सीरीज का, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो अभी 17th मैच कवर कर रहे हैं, स्कॉटलैंड, ये आयरलैंड और जर्मनी, जर्मनी जो कि खेल के आ रही जर्सी के साथ, 15th मैच, ठीक है याद रखना, 15th मैच चेक करना है, और आयरलैंड जो कि हमने कवर भी किया था जर्सी के साथ खेल के आ रहे, दोनों ही जर्सी के साथ खेल के आ रहे अपना लास्ट मैच। तो देखते हैं एक बार, सबसे पहले मैं आयरलैंड का देखूंगा। तो आयरलैंड का देखोगे, आयरलैंड की टीम दस है, टीम के कैप्टन एंडी बैरबरिंग ओपन कर रही टीम दस से, काफ़ी अच्छे प्लेयर टीम दस है, 25 रन लास्ट में भले मारे थे, बट अगर टीम पहले बैटिंग करे तो सेंचुरी तक ही पिन लगा सकते हैं। पॉल स्टिंग के साथ ओपन करे, बहुत छोटा सा मतलब कि इन्होंने टारगेट दिया था जर्सी ने, इजीली चेस कर लिया टीम के टॉप ऑर्डर ने। इसके बाद फोन पे हेरिटेक्टर आते, फिर पे क्रिस्टस कैंपर, ये सब होता, लेकिन जिस दिन लॉर्ड क्रिटिकर वरना बैटिंग नहीं करेगा उस दिन कौन बैटिंग करेगा, क्रिस्टस कैंपर वरना बैटिंग करेगा, तो ध्यान रखिएगा। लेकिन अभी हर मैच वरना बैटिंग है तो इनको वरना मान के चलेंगे। बात करते पावर प्ले, देखोगे इनका पावर प्ले बॉल ही लेना, तो फर्स्ट पावर प्ले में से मार्केटर ने स्टार्ट किया था, 4 ओवर बॉलिंग किए और 1 विकेट ले गए। जोशुआ लिटिल, मैंने बोला था इनको कैप्टन कर सकते, डेथ बॉलिंग करते हैं, 4 ओवर बॉलिंग किए, 2 विकेट ले गए, और ये भी पावर प्ले में ही बॉलिंग करते। सेकंड पावर प्ले में बॉलिंग करे बैरी मैकेटी ने, 4 ओवर बॉलिंग के 3 विकेट लेके गए टीम से, और इकोनॉमिकल रेट 1.8 की इकोनॉमी से बॉलिंग किया। और बैरी मैकेटी एक बॉलिंग ऑलराउंडर है, ये आप भी जानते हो, चीटिंग करते अगर आप आयरलैंड T20 खेलते हो तो। क्रिस्टस कैंपर सिर्फ 2 ही ओवर बॉलिंग किए, डॉकरिन का 2 ओवर दे दिया गया था, अदरवाइज ये भी 4 ओवर बॉलिंग करते लेकिन विकेट ले चले गए, लास्ट बचे कुछ नहीं किए। बेंजामिन व्हाइट काफ़ी ज़बरदस्त प्लेयर, 4 ओवर बॉलिंग की, इसलिए बोलता हूँ अगर टीम पहले बॉलिंग करे तो आप जोशुआ लिटिल मार्केटर को CVC ट्राई किया करो, और बैरी मैकेटी, लास्ट जो बैरी मैकेटी को बहुत लोगों ड्रॉप किया था, इसलिए बोलता हूँ बैरी मैकेटी इंपॉर्टेंट रहते हैं। क्रिस्टस कैंपर को कैप्टन तभी करो जब पहले बैटिंग करें। तो चलो इस आयरलैंड का क्लियर हो गया बैटिंग ऑर्डर, इनका ये कोई डाउट नहीं है, जर्मनी के एक बार देख लेते हैं इनका क्या है नहीं है। धोनी तो जर्सी के साथ खेल के आ रहे, यहाँ पे जर्मनी हार गई जो भी जर्सी से, देख रहे हो। यहाँ पे ओपन करेंगे टीम दस से मिचेल रिचार्डसन जो कि टीम से विकेट कीपिंग करने वाले हैं, और ओपन करेंगे जो, और देखोगे तो जोशुआ बैन हार्डन के साथ ओपन करे, हार्डन हिटिंग अच्छा करता है उसे, हार्डन एक कांस्टेंट प्लेयर भी आप कह सकते हो, अच्छी बॉल अवेलेबिलिटी से बैटिंग करता है। उसके अलावा मुस्लिम अशरफ भी अवेलेबल है, और साहिर नकास भी अवेलेबल है टीम दस से, फिर उसके अलावा फैसल मुबासिर भी अवेलेबल है, हिटिंग अच्छा ये करता है, साथ साथ एक टैलेंटेड कांस्टेंट प्लेयर टीम दस आप कह सकते हो हरमे, और उसके अलावा हरमजोत सिंह जो कि टीम दस है ठीक ठाक ही है। तो इनका बैटिंग ऑर्डर आप एक बार देख लो, इनका टॉप ऑर्डर भी ठीक ही है मेरे हिसाब से, विकेट कीपर ओपन कर रहा है, जोशुआ के साथ ओपन करेगा, मुस्लिम अशरफ वरना बैटिंग कर रहा है, उसके अलावा शाहीन नकाश भी है, फैसल मुबासिर है, फिर भी उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जर्मनी, आयरलैंड उस वक्त तरफा जीतेगी क्योंकि ये जर्सी से हार गए, तो अब उसे समझ लो। आप देखोगे पावर पे, यहाँ पे हम फर्स्ट पावर प्ले यूनिवर्स से स्टार्ट किए थे टीम से, देखोगे तो डायरेक्टर केले ने स्टार्ट किए थे, 4 ओवर में भी विकेट ले चले गए, 2 ओवर रौसल अहमद ने किए थे ये भी विकेट ले चले गए, मुस्लिम अशरफ वरना बैटिंग प्लस 4 ओवर बॉलिंग, तो शायद आप कवर कर सकते हैं अपनी टीम में, टीम दस 4 ओवर बॉलिंग किए थे लेकिन विकेट ले चले गए। उसके अलावा शाहीन नकाश 4 ओवर बॉलिंग किए 3 विकेट, उसके इलाम है, दिलान है, दिलान, उसके अलावा जोशुआ हार्डन जो कि टीम दस ओपन भी किए थे और 4 ओवर बॉलिंग किए थे टीम दस, जोशुआ हार्डन अच्छी हिटिंग करता है लेकिन कुछ भी कहो 4 ओवर में 2 विकेट लेके गया टीम दस से, भले पिटाई हुआ लेकिन विकेट जबरदस्त लिया। तो इनका पावर प्ले बॉलिंग लाइनअप से और इनका बैटिंग ऑर्डर है, तो चलो ये सब चीज़ें क्लियर हो गया कि कौन कितना ओवर बॉलिंग कर रहा है। बाकी टेलीग्राम पे जोर से एक्टिव रहना जो कि एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, जोर से ज्वाइन कर लेना, फेक मत करना, बस एक रिक्वेस्ट है। एंड अब बात करते हैं प्लेयर वाइज सैंडल से, कि उससे पहले इस वीडियो में भी आपके लिए गिव अवे है, इसके बाद बताना कौन सा मैच कवर करें, या आप लोग कमेंट में बताना।
ज़्यादा टाइम 3 घंटे कुछ मिनट बच रखे हैं। बात कर विकेट कीपर सेक्शन लिखो, उससे पहले तो उस वीडियो को जूस लाइक कर से मोटिवेशन मिलता है। प्लीज़ वीडियो जूस लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब करके आप गेम पार्टिसिपेट कर लो। सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा, जिससे आपको मिलेगा पेटीएम कैश फ्री में, और जो भी विनर्स थे सभी को मिलेगा। साथ ही साथ इस वीडियो में भी गिव अवे है, तो आप इसमें भी पार्टिसिपेट कर लेना। इस वीडियो में मैंने पूछा था मोस्ट विकेट, और इस वीडियो में भी मैं पूछ रहा हूँ कि दोनों टीम की तरफ से कौन सा ऐसा बॉलर है जो सबसे ज़्यादा विकेट लेके जाएगा, कौन सा ऐसा प्लेयर है जो सबसे ज़्यादा विकेट लेके जाएगा। आपका जो भी आंसर है, आपको लग रहा होगा जोशुआ लिटिल होगा, आपको लग रहा है मार्क एडर होगा, आपको लग रहा है बैरी मैकेटी होगा, कुस्टिस कैंपर आपको लग रहा है, जो भी आपको लग रहा है आपको नीचे कमेंट करके बता दीजिएगा। अगर आपका आंसर राइट होगा तो आपको मिलेगा हमारे चैनल से फ्री पेटीएम कैश हो भी, जैसे ही रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा टेलीग्राम पे, ठीक है। और पेटीएम कैश आपको आज ही मिल जाएगा, मैच खत्म होगा उसके बाद आज ही आपको ट्रांसफर भी हो जाएगा। तो पार्टिसिपेट जरूर से करना। विकेट कीपर रिचर्डसन भी अच्छा है, ये भी को अपना टीम तो सुनील को भूल जाओ, टकर को पिक करो या फिर आप रिचर्डसन को। मैं टकर पे पिक करूंगा क्योंकि टीम से टुकड़ टीम से अभी फॉर्म में चल रहा है, प्लस वरना बैटिंग कर रहा है, अगर पहले बैटिंग करे तो सेंचुरी तक लगा सकता है। सबसे बड़ी बात कि एक एक्सपीरियंस प्लेयर है, रिचार्डसन को साइड रखते हैं। उसके अलावा एंडी बैल वेरी इंपॉर्टेंट है, अगर टीम पहले बैटिंग करे तो शायद बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। हार्डन बॉलिंग भी करे 4 ओवर, प्लस टीम तक ओपन भी करे, तो शायद इंपॉर्टेंट नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉलिस टीम अगर पहले बैटिंग करे तो कैप्टन करके चल सकते हो, पावर हिटर है। हैरी टेक्टोर को साइड रखते क्योंकि बैटिंग आ नहीं रही है, प्लस टीम थोड़ा सा नीचे बैटिंग है 4 नंबर पर। हरमित सिंह वगैरह है बट इन सबको नीचे बैटिंग है, वासिल को भी साइड ही रखिएगा। तो मैं 3 बैटर प्रेफर करूँगा, तीनों ही इंपॉर्टेंट है। हार्डन इसलिए क्योंकि बॉलिंग भी बैकअप भी आपको देंगे, टॉप ऑर्डर भी चेस कर सकते हैं। कुस्टिस कैंपर इंपॉर्टेंट है, वी गणेशन का अगर आप देखोगे तो जर्मनी की टीम ना से वी गणेशन लास्ट मैच खेले थे क्या, 1 मिनट रुको, लास्ट मैच खेले तो है लेकिन बॉलिंग क्यों नहीं किया, फिर बॉलिंग तो नहीं किया है वी गणेशन। हालांकि जहाँ तक मैं इनको जानता हूँ टीम तरफ से ये ना काफ़ी सारे डोमेस्टिक मैचेस खेल चुके हैं, और यह है एक बॉलर ही टीम तरफ से, कोई ऑलराउंडर नहीं है। लास्ट ईयर मैंने इनको काफ़ी सारे मैचेस खेलते हुए देखा था, तो अगर चाहो तो वी गणेशन को पिक कर सकते हो, है सही प्लेयर, कोई दिक्कत नहीं है। 24 पॉइंट्स दिया है, क्या किया है, 11 रन मारा है गुरु को। बॉलिंग करना चाहिए था फिर तो, अच्छा बॉलिंग करता है, लेकिन मैं पर्से बता रहा हूँ ये रहा कैप्टनसी कर रहा है, गणेशन अच्छा प्लेयर है उसे, बट लास्ट वजह कैप्टनसी करते हुए भी इन्हें बॉलिंग नहीं किया, ऐसा क्यों, ये सवाल है यार। हालांकि है मस्त प्लेयर ये, मना नहीं करूँगा पिक कर सकते हो, वी गणेशन एक अच्छा प्लेयर है, पर्सनली प्रेफर करता हूँ, मैं मैच को कवर करता हूँ, अगर चाहो तो वी गणेशन को पिक कर सकते हो, लेकिन बॉलिंग कंफर्म नहीं इस बंदे की, बस ये एक दिक्कत है। रन तो मार रहा है, कैप्टनसी कर रहा है, लेकिन बॉलिंग नहीं कर रहा, इसीलिए साइड रखते हैं। डॉकरेल को भी साइड रखते हैं, हालांकि बॉलिंग कैंपर पे कर रहा है लेकिन फिर भी साइड रखते हैं। एस नकास 1 मिनट, ये टीम तरफ से साइड नकास बॉलिंग कर रहा है लेकिन बैटिंग से तो होप मत करना, बॉलिंग अच्छा कर रहा है लेकिन देखो साइड नकास का देखोगे ये रहा 4 ओवर में 3 विकेट ले गया, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आज भी 3 विकेट ही लेके चले ही जाएगा। और बैटिंग ही देखोगे तो शाहीन अकाश का तो 4 ना बैटिंग है, लेकिन फिर भी जरूरी नहीं कि विकेट लेके चले ही जाएगा। कवर कर चलते डी एलेक्जेंडर आ रही है जबरदस्त प्लेटी, तो से हिटिंग अच्छा करते जर्मनी की टीम तो से, लेकिन इसको भी अभी साइड रखते फिलहाल के लिए। एस नकाश इसलिए क्योंकि बैटिंग 4 ना पे आ रहा है इसलिए। उसके अलावा जोशुआ लिटिल इंपॉर्टेंट है, मार्केटर इंपॉर्टेंट है, बैरी मैकेटी इंपॉर्टेंट है, कैरियन खेले तो ट्राई करना। बेंजनम वाइट भी एक जबरदस्त प्लेयर हो सकता है आपके लिए, हर मैच इनको मैं कवर करता ही, वो साथ ही साथ जबरदस्त प्लेयर बेंजनम वाइट, बेन वाइट है लिखा है बट पूरा नाम इनका बेंजनम वाइट है, जबरदस्त प्लेयर यूथ से, ओवरऑल टीम बन चुकी है। जो 11 प्लेयर है ना आपको डिपेंड भी करता है कि कहाँ से प्लेयर चाहिए, फिलहाल एग्जाम्पल के तरफ देखोगे तो यहाँ पे जो 11 प्लेयर होनी चाहिए मेरे हिसाब से, अहमदी नहीं होंगे, मैं लूंगा तो कोई आयरलैंड का ही लूंगा, डी कैलिन एक अच्छा प्लेयर, बाहर से बोलता हूँ काफ़ी सारे मैचेस खेल चुके हैं, एक्सपीरियंस प्लेयर है। आयरलैंड का कोई अच्छा प्लेयर तो पिक कर लेना। फिलहाल के लिए मैं वी गिनेस के साथ नहीं जाके डॉकरेल के साथ जा रहा हूँ, हालांकि चाहो तो डॉकरेल की जगह पे हैरी टेक्टोर या फिर चार्टसन को ट्राई कर सकते हो। एक प्लेयर को मैं भूल गया, मुस्लि पियारासब, ये भी मैं काफ़ी सारे मैचेस से कवर कर चुका हूँ, ये बंदा टीम तो बैटिंग भी कर रहा है 1 डाउन, और साथ ही साथ हालांकि बैटिंग से मत करना लेकिन बॉलिंग अच्छा कर लेता है, तो मैं इनके साथ जा रहा हूँ। बट अगर चाहो तो जियो डॉकरेल को पिक कर सकते हो, कोई देखो ये मत सोचा करो कि डॉकरेल बहुत एक्सपीरियंस है तो उसको ज़्यादा चांस हो सकते हैं डॉकरेल को बॉलिंग भी ना दिया जाए, 1 ओवर मिले, बट ये बंदा टीम से वरना बैटिंग भी करेगा प्लस टीम तरफ से बॉलिंग भी 4 ओवर करेगा, तो मैं इनके साथ जा रहा हूँ। बट अगर चाहो तो जियो डॉकरेल पिक कर सकते हो, ये जो 11 प्लेयर बता दूंगा टेलीग्राम पे, लेकिन मैं इन्हीं को ढूंढ रहा था कि कहाँ गया अशरफ टीम तरफ से, है अशरफ यहाँ पे बॉलिंग लाइनअप से सही है टीम तरफ से, कोई दिक्कत नहीं है, ओवरऑल टीम बच चुकी है। डी कैलिन तो एक्सपीरियंस प्लेयर टीम तरफ से, हर कोई इनको जानते हो, काफ़ी अच्छे है, बट इनको साइड रखते एक्सपीरियंस काम नहीं आएगा शायद आज। कैप्टन कैप्टन कोशिश के ऊपर बहुत लोग कर रहे हैं, लेकिन अगर टीम पहले बैटिंग है तो ही इनको कैप्टन क्या करो, अदरवाइज टीम तरफ से पहले कैप्टनसी कर सकते हो। मार्केटर में भी स्टार्टिंग में विकेट आज लेके जाएंगे जाएंगे,
एज ए कैप्टन जा रहा हूँ, वाइस कैप्टन जोसुआ लिटिल। अगर आप चाहो तो सीबीसी को रिवर्स या फिर पॉलिस्टी को कर सकते हो। देखो टीम तब पहले बैटिंग करेगा तभी इनको कैप्टन किया करो, ध्यान रखा करो क्रिस्टस कैंपर को, क्योंकि उसी के से चार ओवर बॉलिंग करेंगे प्लस बैटिंग से कुछ कर पाएंगे। अदरवाइज पॉलिस्टीन कैप्टन कर सकते हो टीम पहले बैटिंग करे तो, या फिर एंड्रे बैलबेरिन क्योंकि टूके तो वरना बैटिंग करेगा तो आपके इसको रियलिटी में कैप्टन करके चलेगा टीम पहले बैटिंग करे तो, प्लीज़ उनको कैप्टन यूज करना अगर टीम पहले बैटिंग करे तो। अभी सेम चीज़ है, कॉन्टेस्ट बुक कर दो अगर टीम पहले बॉलिंग है तो, मार्क हेडर सबसे बेस्ट कैप्टन है, जोसुआ लिटिल भी, सीविस रिवर्स भी करो या फिर पहले बैटिंग है तो पॉल स्टिंग क्रिस्टिस कैंपर, इन सबको ट्राई किया जा सकता है। ग्रैंडी टीम है, मिनी ग्रैंडी टीम है, आप ट्राई करो कि एंडी बैलबेरिन है और इन सबको आप अगर हाइड्रन को ट्राई कर सकते, बहुत कम लोग इनको ट्राई करने वाले हैं, हाइड्रन को करो, अशरफ को करो, इन सबको कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते, कोई दिक्कत नहीं टीम उधर से। ये ओपन करेंगे चार ओवर बॉलिंग करेंगे टीम उधर से, ये भी चार ओवर बॉलिंग करेंगे, दोनों ही काफ़ी सारे डोमेस्टिक मैचेस खेल चुके हैं। मिलता डेली यहाँ पे, और कोई नया प्लेयर खेलता है तो उसको भी ट्राई कर लेना आयरलैंड की टीम उधर से। कोई डाउट हो तो कमेंट करना, डेली यहाँ पे मिलो ठीक है, कमेंट बॉक्स में लिंक भी ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस पर टैप करके ज्वाइन कर लेना, 33,000 से ज़्यादा लोग हैं।